तो ये बनाने जा रहे हैं हमारे लिए एग रोल। तो ये बंगाली स्टाइल में बनाने जा रहे हैं और देखते हैं इनका जो तरीका बनाने का, मतलब सब आपने एग रोल खाया होगा बहुत अलग अलग तरीके से, लेकिन इनका जो तरीका है थोड़ा अलग है। और ये रोटी किसकी रहती है, मैदे की है कि आटे की और मैदे की दोनों की मिक्स है? तो ये देखिए आटे और मैदे की रोटी है और काफ़ी ये इनका फेमस है। ये नायगांव में पिछले 200 सालों से यहाँ पर लोगों को एग रोल खिला रहे हैं, तो 200 सालों वाला इनके पुराने एग रोल है। और ये 200 साल के दिखते तो नहीं है, लेकिन इनका एग रोल बहुत पुराना और बहुत ही फेमस है। जब लोग खाते हैं एक तो मांगते हैं दो, और ये देखिए एकदम मस्त से गुरुवार के दिन लगता है क्रिस्पी करते हुए। तेल ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है? कम अंडे में तेल पकाइएगा, इसी अंडे में उसको भी पकाइएगा, तेल यूज़ मत करिएगा ज़्यादा। तो तेल जितना आप अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये देखिए इसे तेल में, और ये क्या कौन सा तेल यूज़ करते हैं आप? जैतून का। अच्छा, जैतून का तेल यूज़ करते हैं सनफ्लावर के डब्बे में। अब इसी में ये अंडे को पकाइएगा, अब ज़्यादा अंडा मत डालिएगा। हाँ जी हाँ जी, तीखा बनाइएगा इसे। और ये देखिए ये बना रहे हैं मस्त, इसमें मिर्ची डाल के नमक डाल के। अब थोड़ा सा इसमें कांदा भी डाल दीजिएगा। कांदा डालेंगे अलग से? अच्छा, इसमें भी डाल दीजिएगा जैसे ऑमलेट बनाते हैं वैसे ही। हाँ, और क्या आज और मस्त अच्छा लगेगा, थोड़ा क्रिस्पी टाइप में थोड़ा सा। और ये अपने स्टाइल का बना रहे हैं। हाँ, ये घर पे जैसा ऑमलेट बनता है और इसके ऊपर ये लगाएंगे। तेल ज़्यादा यूज़ मत करिएगा। हाँ, और ये देखिए थोड़ा सा डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा तेल यूज़ करेंगे सनफ्लावर का। बॉयल ना करो। और ये देखिए ये उन्होंने अपना डाल दिया ऑमलेट का। ये पिछले 200 सालों से यहाँ पर लोगों को ये खिला रहे हैं, कोलकाता का एग रोल। बस मैं मजाक में कह रहा हूँ, आप लोग सीरियस मत ले लीजिएगा कि 200 सालों से, 200 सालों में तो एग रोल आया भी नहीं था। तो कोलकाता में ऐसे ही बनाते हैं या डिफरेंट बनाते हैं कुछ? लेकिन वो क्या है, वो क्या क्या डालते हैं उसमें? सभी मैं भी जो डालता वही डालता, लेकिन वो क्या मैदा तुरंत बेल के वो बनाता है। अच्छा, बना के लाता। आप मैदा सब घर से तैयार करके लेकर आते हैं? चीज़ें जो सारी आपकी एक नंबर की रहती है। अच्छा, तो ये देखिए एकदम मस्त इसे पका रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपकी दुकान पे लोग क्या खाना पसंद करते हैं? मोमोज। मोमोज के बाद आप एग रोल भी आपने शुरू कर दिया। ये देखिए इनका ये तैयार हो रहा है, और अब इसके ऊपर ये क्या क्या डालेंगे देखते हैं। ठीक है, मोमोज भी बहुत फेमस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोमोज भी बेचते हैं। और ये कलकत्ता जो फूड है इनका बहुत ज़्यादा मस्त चल रहा है। और ये देखिए इनके मोमोज भी साथ साथ में गर्म होते रहते हैं, और अब तो एग रोल बना रहे हैं। और किसी ने ऐसा डिमांड तो नहीं किया मुझे एग रोल मोमोज खाना है? नहीं, एक दिन हम डिमांड करेंगे आपसे ज़रूर। तो ये सलाद डाल रहे हैं दूसरा वाला, और अब इसमें ये यूज़ करेंगे। गर्मी बहुत है, तवे भी बहुत गर्म है, और अभी आप इसमें और क्या डालेंगे? थोड़ा गाजर। अच्छा, जाएगा। इन्होंने अब इसमें ककड़ी डाली है, गाजर डाला है, प्याज डाला है, अब क्या डालेंगे? अच्छा, अब और इसमें थोड़ा सा गाजर डालेंगे। ये कौन सी चटनी है? केचप। अच्छा, केचप है, टमाटो सॉस है। अच्छा ठीक है, बस 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 बस। अब इसमें ये आपकी ग्रीन चटनी। अच्छा, इसमें क्या क्या मिक्स करते हैं? ग्रीन चिली में। हाँ, ग्रीन चिली में आते हैं। अच्छा, अब ये सिंग डालते हैं, देखिए इनका हाल, ये इनका सिंग डाल रही है, ये इनका एक यूनिक सा है। और इसमें क्या पड़ेगा? ये ब्लैक काला नमक डाल रहे हैं। क्या पड़ेगा इसमें? बस सिंपल हो गया, इसमें और कुछ नहीं? नहीं। ठीक है, तो ये देखिए ये तैयार हो गया। अब इसके अभी बढ़िया से इसको रोल बनाएंगे।
और लोगों के हाथ में देंगे इसे। तो डेली कितना रोल निकाल देते हैं आप? निकल जाता है आपकी दुकान से 200-250 निकल जाता है जी। देखिए मुस्कुरा दिया इन्होंने, मतलब कहीं ज़्यादा ये बेनिफिट में है। तो ये देखिए ये रोल तैयार हो गया है, सामने सुरमा वाला है और ये अब ये रोल बेच रहे हैं। और इसकी कॉस्ट कितनी होगी भैया? 50 रुपये बन गए। तो ये देखिए 50 रुपये इन्होंने कमा लिया ताबड़ तोड़ दो अंडे से। तो अब ज़रूर बताइएगा कैसे लगा आपको, ठीक है? जस्ट मजाक कर रहा हूँ। और ये भैया का बहुत ही फेमस है यहाँ पे कोलकाता फूड्स नायगांव में।